वहीं डीडवाना में लोकसभा चुनाव को लेकर प्रत्याशी अपने चुनाव प्रचार में तेजी से जुटे हैं। इसी कड़ी में आरएलपी के कैंडिडेट हनुमान बेनीवाल भी लाडनू विधानसभा पहुंचे, ग्रामीण दौरे पर रहे। इस दौरान उनका जगह जगह लोगों ने स्वागत किया, कार्यकर्ता साथ उनके मौजूद रहे। ललासरी गांव में ट्रैक्टर चलाकर भी उन्होंने प्रचार किया। इस मौके पर हमारे सहयोगी जहीर अब्बास उस्मानी ने हनुमान बेनीवाल से खास बात की ट्रैक्टर पर। लोकसभा चुनाव का प्रचार तेजी पर है और हमारे साथ मौजूद है राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के नेता हनुमान बेनीवाल, जो नागौर लोकसभा के इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार हैं। इनसे हम बातचीत करते हैं, किस तरह का इनका चुनाव प्रचार है। सर, लोकसभा चुनाव का जो प्रचार है वो किस तरह का आपका चल रहा है? जबरदस्त प्रचार चल रहा है। सुबह 4-4 बजे तक सभाएं हो रही है, 5-5 बजे तक सारा जिला मानो खुद ही चुनाव लड़ रहा, सर्व समान निकल पड़ा। ऐतिहासिक जीत की ओर हम बढ़ रहे हैं। अब की बार ज्यादा मजा आ रहा है। पिछली बार तो बेमेल गठबंधन था, एक आप समझ सकते हो कि जवानों की इच्छा थी राजस्थान में और हमने गठबंधन कर लिया, लेकिन उन लोगों के साथ विचार जो विचार थे वो मेरे नहीं मिल रहे थे। अब की बात ठीक है, इंडिया अलायंस के साथ मेरे विचार भी मिल रहे हैं और कांग्रेस पार्टी का पूरा मतदाता नागौर में साथ लगा है। आरएलपी कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ी, सारे नौजवान साथ है, श्रीलंका मुस्लिम और सर्व समाज हमें वोट कर रहा है। नागौर के अंदर सारे लोग वोट कर रहे हैं, वो चाहते हैं हनुमान जी को पार्लियामेंट भेजें ताकि पहले की तरह ये संघर्ष करें वहाँ पर किसानों जवानों के लिए और नागौर के अंदर विकास का नया पैसा लेकर आए। मेरे समय में ही पहली बार नागौर जिले में विकास का पैसा आया था, उससे पहले विकास का पैसा नागौर के अंदर नहीं आया था। एमपी लोग लोकसभा टीवी लोग नहीं देखते थे, अब लोगों के अंदर क्रेज बढ़ा एमपी का और निश्चित रूप से बहुत अच्छी स्थिति इस बार लग रही है, अच्छी फीलिंग है इस बार। ये लगातार तीसरा मौका है जब आप और ज्योतिर्मिदा आमने सामने चुनाव लड़ रहे हैं, क्या लगता है इस बारे में कितनी चुनौती है? कोई चुनौती नहीं, बिल्कुल ही। मैंने आपको क्या कहा, जीत का अंतर बहुत बड़ा रहेगा, लाखों में जाएगा। आपने ज्योतिर्मिदा के एक बयान दिया था जिसमें आपने कहा था कि उनकी एमबीबीएस की डिग्री जो है वो मान्य नहीं है, अब उन्होंने आपकी डिग्री पे सवाल किया। डिग्री का नहीं कहा, मैंने ये कहा था कि वो विदेश ये अपने पीएमटी क्लियर करनी पड़ती है। जब कोई व्यक्ति बीटेक और एमबीबीएस ये करता है तो उसे एक डिग्री पीएमटी प्री मेडिकल टेस्ट उस समय क्लियर करना होता था। आज नीट जैसे नीट हो गई, पूरे देश का एक एग्जाम हो गया, इसने पीएमटी का एग्जाम क्लियर नहीं किया था, डोनेशन से इसका एडमिशन मैनेजमेंट कोटे में नाथुराम जी ने साउथ के कॉलेज में करवाया और सेकेंड ईयर में ट्रांसफर यहाँ कराया था। डिग्री यहाँ की है लेकिन बिना परीक्षा पास किए डिग्री ले ली, यही तो गड़बड़ जा रहा है और क्या। उनका ये कहना है कि मुझ पर निजी कटाक्ष करते हैं और मेरे परिवार पर भी करते हैं। क्या करते हैं? निजी कटाक्ष। वो तो उनके परिवार की हिस्ट्री सबको पता, मैं तो कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ। जिस रिजवाल मिर्जा जिस भाषा का दुरुपयोग कर रहा है और ज्योति को 9 में हम ही लाए थे, इसके पिताजी की जमान जब्त हुई थी 90 में, इसको कोई जानता भी नहीं था उस समय। नाथुराम जी का सारा उत्तराधिकार तो रिजवाल मिर्जा था, वहां इसके पिताजी को लड़ने भेजा, जेता 12,000 वोट आए थे। ये तो मुझे धन्यवाद है रूपाराम डूडी को, मुझे और महेंद्र चौधरी को हमने भेजा, चिट्ठी फार्म से महेंद्र जी लेके आए और इसको टिकट वहाँ कांग्रेस पार्टी का दिलाया और हम सब ने मदद की और एमपी बन गई। एमपी बनने के बाद इसके जो तेवर है वो आपके सामने है और ईडी की जो जांच चल रही है इंडिया पुलिस में, इसकी सास देवर खुद मुलजिम है, जेल जाएंगे, जेल से बचने के लिए भाजपा के अंदर घुस गए और सारा परिवार भाजपा में चला गया।